ओ एम बी, इसको टॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? टॉम, टॉम। अब यहां पर लिखा हुआ है एच ई डी जी ई, अब इसको हेडज नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? हैज, क्योंकि इसमें डी साइलेंट है और टॉम में बी साइलेंट है। हाय दोस्तों, मैं सुखवीर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे साइलेंट लेटर वर्ड्स, यानी किसी शब्द में कोई अक्षर साइलेंट होता है तो उसको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज की ये सारी कंफ्यूजिंग आपकी दूर करने वाला हूं। आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक कि कौन सा अक्षर कहाँ पे साइलेंट होता है, कौन सा अक्षर कहाँ पे साइलेंट नहीं होता है। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टी ओ एम बी, अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? टॉम, यानी लास्ट में एम बी अगर एक साथ आता है, एम बी, तो हमेशा वहां पर बी साइलेंट रहता है, बी का उच्चारण हम नहीं करते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? टॉम। बी ओ एम बी, अब यहां पर भी लास्ट में क्या है? एम बी, अगर एम बी है तो यहां पर बी का साइलेंट, बी का उच्चारण हम नहीं करेंगे, हम केवल इसको क्या पढ़ेंगे? बॉम, बॉम। सी ओ एम बी, अब इसमें भी क्या है लास्ट में? एम बी, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? कॉम, क्या पढ़ेंगे? कॉम। एच ई डी जी ई, अब इसको हम हैडज नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? हैज, हैज। यानी अगर किसी शब्द में डी जी एक साथ आता है, डी के बाद जी आता है, तो ऐसे शब्दों में डी साइलेंट रहता है। बी आर आई डी जी ई, इसको हम क्या पढ़ेंगे? ब्रिज, ब्रिज। बी यू डी जी ई टी, अब इसमें भी लास्ट बीच में क्या है? डी और जी, डी जी एक साथ आया है तो हम डी का उच्चारण नहीं करेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे? बजट, बजट। के एन ओ डब्ल्यू, इसको हम क्या पढ़ेंगे? कुनो नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? नो। यानी कोई शब्द अगर के से स्टार्ट होता है और के तुरंत बाद अगर एन है, तो ऐसे शब्दों में हम के का उच्चारण नहीं करते हैं, के साइलेंट रहता है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? नो। के एन ओ डब्ल्यू, नॉट, नॉट। के एन आई एफ ई, अब इसमें भी क्या है? शुरुआत के से है लेकिन के तुरंत बाद एन है, तो हम इसमें के का उच्चारण नहीं करेंगे, किसका करेंगे? नाइफ, नाइफ। बी ए एल एम, अब इसमें एल साइलेंट है, क्या है? एल, एल के तुरंत बाद लास्ट में एम हो या के हो, तो ऐसे शब्दों में एल साइलेंट रहता है, इसको हम पढ़ेंगे बाम, क्या पढ़ेंगे? बाम।
डब्ल्यू ए एल के। अब यहां पर एल के है तो इसको बाल्क नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, वॉक। क्या पढ़ेंगे, वॉक। टी ए एल के। अब इसको भी हम टाल्क नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टॉक। टॉक। पी एन ई यू एम ओ एन आई ए। इसको हम पी निमोनिया नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, न्यूमोनिया। क्योंकि पी के तुरंत बाद अगर एन आती है तो ऐसे कुछ शब्दों में पी साइलेंट रहता है, तो यहां पर पी साइलेंट है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, न्यूमोनिया। पी एन ई यू एम ए टी आई सी। अब यहां पर भी पी के तुरंत बाद क्या है, एन, तो यहां पर भी पी साइलेंट रहेगा, तो इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे, न्यूमैटिक्स। क्या करेंगे, न्यूमैटिक्स। यहां पे नीचे मैंने उच्चारण भी इसलिए लिख के रखा है, पी एस वाई सी एच ओ एल ओ जी वाई। अब यहां पर भी पी साइलेंट रहेगा, यहां पर एन तो नहीं है लेकिन एस है पी के तुरंत बाद, लेकिन फिर भी यहां पर पी साइलेंट रहेगा, तो इसका उच्चारण होगा साइकोलॉजी। क्या होगा, साइकोलॉजी। इस तरह से सी ओ एल यू एम एन। इसको हम क्या पढ़ेंगे, कॉलम। यानी लास्ट में अगर एम और एन, एम के बाद एन, ये दोनों आते हैं तो लास्ट का जो एन होता है वो साइलेंट रहता है। एम एन अगर लास्ट में एक साथ आते हैं तो लास्ट में जो एन होता है वो साइलेंट रहता है, तो इसका उच्चारण हम करेंगे कॉलम। कैसे पढ़ेंगे, कॉलम। ए यू टी यू एम एन। इसको भी इसमें लास्ट में क्या है, एम एन, तो यहां पर भी एन साइलेंट रहेगा, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ऑटम। ऑटम। एस ओ एल ई एम एन। सोलम। सोलम। एम ए टी सी एच। अब यहां पर लास्ट में क्या है, टी सी एच। अगर टी सी एच लास्ट में आता है तो ऐसे शब्दों में हम टी का उच्चारण नहीं करते हैं, तो इसका उच्चारण क्या करेंगे, मैच। मैच। बी ए टी सी एच। अब इसमें भी लास्ट में क्या है, टी सी एच, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, बैच। बैच। सी ए टी सी एच। कैच। यानी इसमें भी लास्ट में क्या है, टी सी एच, तो टी साइलेंट रहेगा, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैच। कैच। डी ओ
यू बी टी। अब देखिए यहां पर भी बी साइलेंट है, इसका उच्चारण क्या होगा? डाउट, डाउट। एल ए एम बी, इसको लैम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? लैम, लैम। टी एच यू एम बी। अब इसको थम्ब नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? थम, थम। एस सी ई एन टी। अब इसमें सी साइलेंट रहेगा, सी, इसको हम पढ़ेंगे सेंट, क्या पढ़ेंगे? सेंट। एस सी ई एन ई, यानी शुरू में जब एस सी एक साथ आते हैं तो ऐसे शब्दों में भी हम एस साइलेंट रहता है, सॉरी सी साइलेंट रहता है। इसमें हम पढ़ेंगे सीन, सीन। एस सी आई ई एन सी ई, साइंस, साइंस। के एन आई जी एच टी, इसमें के साइलेंट रहेगा, और इसको हम कैसे पढ़ेंगे? नाइट, जी एच भी साइलेंट है, नाइट। एच ए एल एफ, हाफ, हाफ। सी एच ए एल के, इसमें भी एल साइलेंट है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? चौक, चालक नहीं पढ़ेंगे, चौक। डब्ल्यू आर ओ एन जी, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? रोंग, रोंग। इसमें डब्ल्यू साइलेंट है, डब्ल्यू। जी यू ई एस टी, इसमें यू साइलेंट रहेगा, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? गेस्ट, गेस्ट। जी यू ए आर डी, इसमें भी यू साइलेंट है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? गार्ड, गार्ड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।